है हमारे आशीष भाई अभी भी, ओ भाई ओ भाई, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं स्किल्स। और ये भाई बढ़िया भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सबका आज मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज हम फिर से सिद्रावली साइड जा रहे हैं। हमने जाना सुबह ही था बट आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि आज मैंने पापा को बत्रा हॉस्पिटल लेके जाना था। वो पापा का ऑपरेशन हुआ था तो ऑपरेशन के बाद अब उन्होंने कहा था कि 7 दिन के बाद दिखाना है, तो वो इसीलिए मैं वहाँ गया था उनको दिखाने के लिए। तो दिखा के अभी जस्ट घर पहुँचा था और मैं घर पहुँचते ही अभी कॉल वगैरह कर रहे थे दोस्त वगैरह, तो वो अभी आगे वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं बस वहीं जाऊँगा अभी सीधे उनके पास, यारों दोस्तों के पास। तो मिलते हैं सीधे आपको उन्हीं के पास, जल्दी से मिलवाते हैं आपको। हमारे सारे नमूने यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ओए आमिर मस्जिद खड़ा नहीं है यहाँ पे, और क्या हाल है मेरी जान? ये हमारे सारे दोस्त। और गोकुल साहब जी क्या हाल है सर? देखो ब्लॉगर आ गए। और मेरी जान क्या हाल है? आओ दिखे ना इधर सर, क्या हाल है? राउंड बाकी है, हम अभी आगे जाके राइड स्टार्ट करेंगे अपनी, क्योंकि हमारा भी एक बंदा और आ रहा है ठंडे ब्लॉग से भी पीछे रह गया हुआ। जब वो आएगा फिर उसके साथ ही हम अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो भाई देखते हैं आपको आगे। अरे देखो भाई पहले ही तो बाइक में जाने लगे भाई। अरे भाई भाई मज़ा ही आ गया। बट अभी हम वेट कर रहे हैं अपने खंदे ब्लॉग्स का, वो अभी काफ़ी पीछे रह चुके हैं। वो अभी यूनिवर्सिटी से निकला, एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है, तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे हम। और ये रहे हमारे बाइकर्स, हमारे सारे बाइकर्स जी, हमारे आशिक भाई और गोकुल साहब जी। तो अभी खंदे ब्लॉग्स का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो आप रही। और ये हमारे आशिक भाई अभी बिली मारेंगे। ओ भाई अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं स्किल्स। और ये भाई बढ़िया भाई, ये होती बिली भाई, खतरनाक बिली थी भाई आशिक भाई की। हमारे सारे बंदे आ चुके हैं और हम अभी एक अच्छी सी लाइन पे जा रहे हैं, मतलब यहीं से हमारी आई से शुरू होती है। ये देखो हमारे बाइकर्स, हमारे स्टूडेंट, हमारे गोकुल भाई की, ये हमारे आशिक भाई, ये और वो हमारा NS 160 और वो अपाचे भाई ऋषिक भाई, ये हमारा भाई ये और मतलब ये करना भाई क्या परफॉर्मेंस है, मतलब अपाचे की ऋषिक भाई अपाचे 160 में नहीं मांग रहे हैं, मतलब यार लाजवाब परफॉर्मेंस है भाई। और हमारे खंदे ब्लॉग्स सब भाई लोग जाके फॉलो सब्सक्राइब कर लेना इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी भाई को। और हमारे गोकुल भाई और हमारे
गाइस हम सोच रहे थे कि आज ऑफ रोड करें, बट कुछ बाइकर्स हमारे कुछ दोस्त हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑफ रोड आज नहीं करेंगे, ऑफ रोड किसी और दिन करेंगे। तो हम अभी टनल वाली साइड जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या बनता है क्या नहीं। तो नहीं रुकेंगे बीच में, पॉइंट वाली साइड जा रहे हैं हम सारी। बाकी कुछ दो नमूने पीछे आ रहे हैं, एक ही आ गया। हमारे छपरी राइडर्स देखो हमारे गौरव, अरे हमारे खंदे ब्लॉग्स, सारे जाके भाई को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा कंटेंट बनाते हैं भाई भी। और चलिए आपको थोड़े से शूट्स वगैरह दिखाएंगे अभी। तो गाइस यहाँ से आप अपना हमारा जम्मू देख सकते हैं, हमारे जम्मू का व्यू कितना सेक्सी व्यू आता है यहाँ से, मतलब क्या व्यू है यार, मतलब इसे कहते हैं जम्मू भाई। किसी को भी आना ना भाई तो जम्मू में ये जगह ज़रूर देख के जाए भाई, सिद्रा वाली साइड पड़ता है ये जगह, इसे व्यू पॉइंट कहते हैं। सिद्रा वाली साइड आके, सिद्रा से आगे आके भाई ये देखो भाई व्यू पॉइंट, मतलब क्या लाजवाब व्यू पॉइंट है, मतलब कह नहीं सकते हैं इसके बारे में कुछ, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर लोग वगैरह आते हैं, वो वहाँ पर भी जो है व्यू पॉइंट पर लोग खड़े होकर जो है फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, और काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आते हैं। आप भी आएँ कभी तो ज़रूर यहाँ से होकर जाएं। तो चलो गाइस बाकी हम फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं अभी थोड़े से, तो आपको भी वो फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे किस तरीके के हैं। तो गाइस ये हमारे अपाचे, ये हमारे ऋतिक भाई की अपाचे, और इस पर SC का जो है साइलेंसर लगाया हुआ है, ये देखो भाई मतलब इतनी ख़तरनाक आवाज़ आती है इससे। और ये हमारे गोकुल भाई की RS 200, और हमारे आशिक भाई की अपनी RC 390, और ये हमारे कांदे ब्लॉग्स की NS 160। और भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करना, भाई काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और ये हमारी वुल्फ, द ब्लैक वुल्फ, अभी हमने यहाँ पे मरघाट पे जो है वुल्फ का लोगो बनवाना है यहाँ पे, और काफ़ी हीट हो चुकी है हमारी बाइक अभी। ये हमारी बाइक है देख ले सारे, हमारी 20 भी अच्छी लगती है, हमारी वुल्फ भी अच्छी लगती है, ये देखिए भाई काफ़ी अच्छी लुक है हमारी RS 200 की। चलिए गाइस हम अपनी राइड यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, और आगे कहीं देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना पीना अपना थोड़ा सा। चलिए गाइस आपको मिलते हैं राइड पे। चलिए गाइस अभी यहीं से हम अपनी राइड को, तो ये हमारे आशिक भाई भी, ओ भाई कंपनी मिली थी भाई, बाकी वालों का वेट करते हैं, बाकी भी आ रहे हैं, आधे कुछ पीछे रह गए हैं कुछ आ रहे हैं, तो चलिए उनको आने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी भी मेहनत जारी है, हमारे भी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। पहले मैं अपने ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बोलता था, आई मीन मैंने ब्लॉग से बहुत कम बनाया है, मैंने कुछ 3-4 ब्लॉग्स बनाए हैं बीच के, बट ये कि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे खुद भी लग रहा है, मेरे को जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि बोलना शुरू कर दिया था। पहले मैंने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया, मतलब मैं बोलता ही नहीं था, मेरे को शर्म आती थी कि नहीं, बट अब मेरे को लग रहा है नहीं यार जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ऑडियंस जो है अट्रैक्ट नहीं होगी हमारी तरफ, मज़ा आएगा। और बाकी ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द ब्लैक वुल्फ 1211, और शेयर करो अच्छे से, लाइक करो, कमेंट करना अच्छा सा, एक प्यारा सा कमेंट देना, तो ज़्यादा हमें उससे मोटिवेशन मिले, और हम आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए जो है लाते रहे। तो
अगर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छी अच्छी कंटेंट लाऊंगा। और हमारे आशिक यहाँ पे हमारा स्टार्ट डूब चुका है, अब बाइक वगैरह स्टार्ट नहीं हो रही, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। सीन स्टार्ट तो हो जाएगी बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसे खड़ा करने के लिए हमने एक डंडा ले लिया है। तो ये हम यहाँ पे शर्मा वैष्णो ढाबा में आए हैं अभी, तो कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो मैगी शैगी खाएंगे अगर खाएंगे तो। ये देखो हमारे बाबू साहब, हमारे गुरु भाई जान है हमारी, अरे हमारे गोकुल सर, गोकुल सर जी हेलो, हमारे ऋतिक भाई जी, हमारे खंडे ब्लॉग का कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगाओ, कैमरा गंदा हो गया हुआ है। हां जी हां जी, ये लो कैमरा, क्या गंदा होना, ये लो दे दो जी, हाथ भी गंदे हो गए ना, हाथ भी गंदे हो गए हमारे। चलिए आपसे बाद में मिलते हैं हम। तो गाइस ये हमारी मैगी आ चुकी है यहाँ पे, और ये सारी मैगी का मजे ले रहे हैं, तो हम भी खा के बताते हैं आपको कैसी लग रही है। तो गाइस मैगी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया मैगी खाने में, टेस्टी। अब ख़त्म हो चुकी है, वैसे हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे बाकी वालों ने खा भी लिया सब ने ख़त्म कर ली, बस मैं ही बचाऊँ। हाँ, और अभी जाने की तैयारी हो रही है यहाँ से, आपको आगे मिलते हैं हम सारे। तो गाइज हमारे यहाँ पे आशिक भाई की जो है बाइक का स्टैंड टूट चुका है, तो वो भी सेट कर रहे हैं क्योंकि घर तक हमने पहुँचना भी है ना। हाँ तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं, हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा आराम से ही चलेंगे, आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, तो इसीलिए हम थोड़ा आराम से चलेंगे आज। हम इधर पहुंचे हैं, क्या नाम है इस जगह, कासिम नगर, आहो उधर आए, इनको भेज दूं फिर, चल ठीक है। क्या करना, चलते हैं फिर, कोई चक्कर नहीं। तो गाइस सारे अपने अपने घर जा चुके हैं, गौरव को गोकुल छोड़ने चले गया उसके घर पे, और आशिक भी चले गया, उसका स्टैंड टूटा था, उसने स्टैंड वगैरह ठीक कराना था, तो वो भी अपने घर जा चुके हैं। तो हम भी अब अपने घर वाली साइड जा रहे हैं, हम भी घर जा रहे हैं, मम्मा वेट कर रहे होंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक करना मत भूलना गाइज तब भी, है ना। तो बाय गाइज, हम मिलते हैं आपको एक ऐसी अच्छी सी न्यू ब्लॉग में, ओके गाइज।